अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजारी पकोड़े। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड हैं वो हैं, 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है, और इसी तरह पालक लिया है उसको भी मैंने कट कर लिया है। अच्छा, मसालों में जो चीज़ें हैं, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। बेसन लिया है मैंने 1 कटोरी, बाउल ले लिया है, और अब मैं इस बाउल के अंदर जो मैंने प्याज और पालक कट किया है वो दोनों ऐड इन कर दूंगी। इसमें मसाले भी मैंने डाल दिए जो मैंने बताए थे। अच्छा, अब इसमें जो टिप है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो ये है कि हम इसमें पानी ऐड इन बहुत कम करेंगे। मैं बताती हूँ कितना। हम लोग करेंगे 3 टेबल स्पून पानी। मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि पालक मैंने वॉश कर ली थी और मैंने इसको पालक को खुश करके डाला है, क्योंकि पालक ख़ुद भी पानी छोड़ेगा। बस सिर्फ इतना सा पानी डालना है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख लीजिए इसकी फाइनल लुक। उसी पानी में बस मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें कोई पानी नहीं है। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और अब मैं सिर्फ फ्राई करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो। ऑयल मेरा गर्म हो चुका था और मैंने अपना बैटर डाल दिया है ऑयल में पकौड़ों का, और अब मैं इसको पकाऊंगी। बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाना वरना पकौड़े जल जाएंगे। मीडियम आंच में हमें पकाना है। मेरे पकौड़े हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी स्टेनर में ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। मैं ये सब निकाल लूँ और फिर मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे बाजारी पकौड़े हो चुके हैं तैयार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका क्रिस्पन भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।